जवाहरलाल नेहरू ने और आपने कहा कांग्रेस की बात मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में पार्लियामेंट में क्या कहा उन्होंने कहा आर्टिकल 370 का इरोजन हो रहा है और हमें इसे बरकरार रखना चाहिए इसे इरोड होते देना चाहिए आपको एक बात याद रहती है पंडित नेहरू बात हम, नहीं हम याद हम से भी, अच्छा, एक मिनट के लिए मान लीजिए अगर के 370 को इरोड किया गया जो आप कहते हो तो फिर हटाने की क्या जरूरत थी अगर है? अगर अगर उसमें कुछ था ही नहीं तो फिर आपको हटा के मिला क्या आप आप दोनों आपको दोनों चीजें चाहिए एक तरफ से आप मुझे कहते हो कि इसको इरोड होने दिया था इरोड हो 63 गया। में। चले, 63 चले सिक्सटी थ्री ही सही वो भी हम उसको भी नहीं मानते इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू का खुद का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। मैं इंकार कहां कर मैं खुद तो जाके जो इरोड हुआ था उसको हम वापस हासिल करना चाहते थे मुल्क के वजीर आजम उन, उनको अक्सर भेजकर जो है श्रद्धांजलि पेश की जाती है मुल्क के वजीर आजम जिनका नाम पी वी नरसिम्हा राव था आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो चलिए उनकी बात क्यों नहीं करते उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा शॉर्ट ऑफ आजादी द स्का इज द लिमिट उनको तो कांग्रेस भी नहीं मानती आप छोड़ दीजिए कांग्रेस माने ना माने वो वजीर आजम थे मुल्क के थे ना और पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात कही पीवी नरसिम्हा राव ने वादा नहीं किया हिंदुस्तान पार... हिंदुस्तान के वजीर आजम ने वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि शॉर्ट ऑफ आजादी द स्का इज द लिमिट और फिर अपने वादों पर मुकर गए आप जानते हैं उमर अब्दुल्ला साहब के इस देश में पॉलिटिक्स के लिए और अपीजमेंट के लिए बहुत चीजें कही तो आप है। मानते हैं कि 370 हटाना पॉलिटिकल और अपीजमेंट था ये आज से नहीं है ये जब आप वाजपेयी जी की सरकार में एक मंत्री थे तब भी ये बीजेपी का एजेंडा था कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी वाजपेयी साहब की बात की वाजपेयी साहब ने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे का हल जो है उसके लिए तीन चीजें देखी जाएंगी इंसानियत कश्मीरियत जमुरियत और, जमुरियत। और कश्मीरियत मुझे बताइए कि कश्मीरियत या जमूरियत सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिनकी आप बात करते हैं जब 1990 में? में जो हुआ नरसिंहार वहां वहां से कश्मीरी हिंदू निकाले गए उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या बिल्कुल हम उनके ह्यूमन राइट्स को मार और, और मैं आपसे और हमने कब कोशिश नहीं और और की जाना चाहती हूँ वाल्मीकि कम्युनिटी थी वापस जो वाल्मीकि कम्युनिटी थी उनके लिए आपने कितने आंसू बहाये हैं जिनको वोटिंग के भी राइट नहीं थे वहां पर वाल्मीकि कम्युनिटी मेजोरिटी की तो वोटिंग थी ना मेजोरिटी के लिए हुआ करती है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नॉट मेजोरिटी कम्युनिटी सर वाल्मीकि यही नजर आए नहीं मुझे ये और, सिर्फ तो, ये सिर्फ देखिए मैं माफी चाहता हूं जमहूरियत में अक्सरियत की बात चलती है और मेजोरिटी ऑल कम्युनिटीज़ हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध जो है वो जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने के हक में नहीं थे नहीं थे आप कुछ ही दिन पहले शायद एक या दो अगस्त को मिले थे 2019 में आप और फारूक अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री जी से 2019 की बात है पांच दिन बाद क्या हुआ देश के सामने है क्या बात हुई थी आपकी प्रधानमंत्री वो तो से? हम दोनों के दरमियान है कभी आप, आप वजीर आजम को इंटरव्यू करेंगे आप उनसे पूछ लीजिए मेरा काम नहीं है बताना आपको कोई इल्म था मुझे गलत फहमी हुई जो मैंने सुना और जो मैंने समझा मैं खुद मानता हूं मुझे गलत फहमी हुई तो आपको कुछ इन था कि कुछ बदलने वाला है कश्मीर नहीं you were taken by surprise. लगभग सब जो है वो सरप्राइज में लिए गए कुछ चंद लोगों को वक्त से पहले बताया गया था कुछ यहाँ पत्रकार वगैरह उनको होम मिनिस्ट्री बुला के उनको ब्रीफ किया गया वक्त से पहले लेकिन हम लोग जो जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पे थे हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था